तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुसलमानों की हुई बड़ी ईद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका, बीजेपी की कर दी खारिज। मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा आपके बाप के नहीं है हम नौकर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका, अमेरिका को मिलिट्री बेस देने से पाकिस्तान ने किया इनकार, जो बाइडेन की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञान व्यापी मस्जिद पर बोले असुद्दीन वैसी, पहले बाबरी मस्जिद खो चुके हैं देश के मुसलमान और एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के समर्थन में आई मायावती, बोली बीजेपी सरकार मुसलमानों को कर रही है टारगेट, आजम खान को जल्द छोड़े। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ लिया एक और बड़ा फैसला, योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में अनिवार्य किया राष्ट्रगान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने लव जिहाद कानून को किया लागू, मुसलमानों को जेल में डालने की कर्नाटक की बीजेपी सरकार रच रही है साजिश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल को लेकर मुसलमानों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई बड़ी जीत, बीजेपी को झटका। कोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरे खोलने वाली याचिका को किया खारिज, भाजपा को लगाई फटकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है। ताजमहल के अंदर तहखाने में मौजूद 22 कमरों को खोले जाने की याचिका को लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए बीजेपी को फटकार लगाई। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जाकर पहले बीजेपी वाले रिसर्च करें और फिर कोर्ट में याचिका डालें। कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं का मजाक बीजेपी वाले ना बनाएं, पहले पढ़ लें कि ताजमहल कब और किसने बनवाया। कोर्ट ने कहा कि बीजेपी वाले हमसे क्या चाहते हैं, बीजेपी वालों के अधिकारों का ताजमहल ने क्या उल्लंघन किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इतिहास बीजेपी के मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा, कल आप हमारे चैम्बर में आने की बात करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या के बीजेपी नेता ने ताजमहल को तेजो महादेव का मंदिर बताया और उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और बीजेपी को फटकार लगाई और कहा कि कल आप हमारे चैम्बर में घुसने की कोशिश करेंगे तो हम आपको आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ताजमहल के 22 कमरे नहीं खोले जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अंत भक्तों की ये बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका, अमेरिका अब नहीं बनाएगा पाकिस्तान में मिलिट्री बेस, पाकिस्तान ने जमीन देने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आज अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में अमेरिका एक मिलिट्री बेस बनाने वाला था, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने से पहले जमीन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को बड़ा झटका लगा है और अब अमेरिका पाकिस्तान में अपना मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इसका आरोप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी लगाया है। इमरान खान ने कहा है कि पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वह पाकिस्तान में सैन्य ठिकाने की अमेरिका की किसी भी मांग पर कभी सहमत नहीं हुए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मिलिट्री बेस बनाने का हमें ऑफर दिया था, लेकिन मैंने ये स्वीकार नहीं किया था और इसीलिए मेरी सरकार भी अमेरिका ने गिरवा दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फिर से अमेरिका पर इमरान खान ने ये आरोप लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर बोले ओवैसी, बोले पहले हमने बाबरी खो दी अब एक और मस्जिद नहीं खो सकते। जय दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कमिश्नर को हटाने वाली मुसलमानों की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने दो और सहायक कमिश्नरों को नियुक्त कर दिया। साथ ही सर्वे को जारी रखने का आदेश देते हुए 17 मई से पहले सर्वे खत्म करने की बात कही। इतना ही नहीं, अदालत ने सर्वे का विरोध करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात भी कही है। अदालत के इस फैसले पर जी न्यूज के साथ बातचीत करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश को ही गलत ठहरा दिया और बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने पहले एक बाबरी मस्जिद खो दी और अब दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। असुद्दीन ओवैसी ने खास बातचीत के दौरान कहा है कि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये फैसला 1991 के हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है, जिसके तहत किसी भी धार्मिक, भले ही वो मस्जिद हो या मंदिर हो, आप उन्हें नहीं छेड़ सकते। असुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि आखिरकार मस्जिदों के पीछे ये क्यों पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्या देश में इस तरह से ही हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में आज से सभी मदरसों में अनिवार्य हुआ राष्ट्रगान गाना, शिक्षा बोर्ड ने जारी किया आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में गुरुवार से रोजाना राष्ट्रगान का गाना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार
एस एन पांडे ने गत 9 मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किया है। पांडे ने आदेश में कहा है कि पिछले 24 मार्च को बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप नए शिक्षण सत्र से सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। पांडे ने बताया है कि रमजान माह के दौरान मदरसों में 30 मार्च से 11 मई तक अवकाश घोषित था और 12 मई से नियमित कक्षाएं शुरू हुई, लिहाजा ये आदेश आज से लागू होता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से जबरदस्ती मदरसों में जो है अब राष्ट्रगान मुसलमानों और मौलानाओं से गब्बाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आजम खान के समर्थन में उतरी मायावती, बोली बीजेपी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जब दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा नेता आजम खान का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस की तरह ही गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को टारगेट कर जुल्म, ज्यादती और भय का शिकार बनाकर उन्हें बीजेपी द्वारा परेशान किया जा रहा है। मायावती ने रामपुर से विधायक और सपा के गद्दाबर मुस्लिम चेहरे माने जाने वाले आजम खान के समर्थन में ट्वीट भी किया। मायावती ने लिखा है यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की तरह गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को टारगेट करके जुल्म, जाति व भय की आदि का शिकार बनाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। यह अति दुखद है, जबकि दूसरों के मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार आतंकी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने विधायक आजम खान की सभा 2 साल से जेल में बंद होने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आजम खान को जबरदस्ती बीजेपी वालों ने जेल में रख रखा है और आजम खान ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कर्नाटक में लागू हुआ लव जिहाद कानून, बीजेपी सरकार ने जारी किया आदेश। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में लव जिहाद कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। तब तक ये अध्यादेश के रूप में लागू रहेगा। कर्नाटक के गृह मंत्री आराध्या ज्ञानेंद्र ने इसकी जानकारी आज दी है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर कर्नाटक के मंत्री मधुस्वामी ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून से पहले एक अध्यादेश लाया जाना है। विधानसभा में जो भी पास हुआ था उसे बिना संशोधन के अध्यादेश बनाकर लागू किया जाएगा। हम अध्यादेश को पारित करने के लिए परिषद के पास जाएंगे। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से विवादित लव जिहाद कानून लाने का फैसला किया था। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी के पास राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन में बहुमत नहीं है, इसलिए मुंबई सरकार ने ऐसा किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी शासित राज्य में मुसलमानों को जेलों में डालने के लिए भाजपा अब लव जिहाद कानून लागू कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अल जजीरा की पत्रकार की मौत पर पाकिस्तान ने कही बड़ी बात, इसराइल पर लगाया मौत का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने वेस्ट बैंक के कब्जे वाले इलाके में अल जजीरा के पत्रकार सिरीन अबू अगलेह की हत्या की निंदा की है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी करते हुए बताया है कि पाकिस्तान की सरकार और लोग अबू अगलेह के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। बयान में पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल उन लोगों की आवाज़ को चुप कराने का प्रयास करता है जो इसराइल के उल्लंघन को उजागर करना जारी रखते हैं, लेकिन ये सफल नहीं होगा बल्कि कब्जे वाले बलों की निरंतर क्रूरता को प्रकट करेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइल कब्जे को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है, जो क्षेत्र में संघर्ष, तनाव और अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है और पूरे मुस्लिम दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार फलस्तीन को खत्म कर इसराइल जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जम्मू कश्मीर से बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, बडगाम में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को घुसकर मारी गोली। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने बडगाम के चंडूरा में तहसील ऑफिस में एक सरकारी कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि राहुल भट्ट नाम के कर्मचारी पर आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर फायरिंग की। घायल अवस्था में उन्हें श्रीनगर के SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी जैश से संबंधित आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा के भाजपा विधायक का एक और वीडियो हुआ वायरल, बोले भारत को हम ही बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल का एक और वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह ये बोलते दिखाई दे रहे हैं कि हम ही सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वीडियो अंबाला में आयोजित हुई महाराणा प्रताप की जयंती का बताया जा रहा है, जिसमें वह हजारों की भीड़ से हिंदू राष्ट्र बनवाने की हामी भरवाते भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व
सुरेश चावड़कर के साथ वह हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खाते भी नजर आए थे, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था और देश भर की मीडिया में ये मामला सुर्खियों में बन गया था। विधायक ने मंच से एक और विवादित बात करते हुए सवाल उठाया कि जब विदेशों में इस्लामिक, ईसाई और कैथोलिक राष्ट्र बन सकते हैं तो भारत क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी बातें इन्होंने कही हैं।